हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ इज रिशानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। आज है फ्राइडे और अभी 9:30 हो चुके हैं और रिशानी यहाँ पे मस्ती करने में लगी हुई है। और अभी इसको मैं चौकोज दी थी खाने के लिए, तो देखिए चौकोज पूरा खा जाती है, दूध छोड़ देती है। और अभी इसको मार मार के मुझे पिलाना पड़ेगा, डांटना पड़ता है बहुत। ईशु, ये चौकोज दूध कौन पिएगा? अरे चुपो ना। और अभी तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं बने, अभी जस्ट मैं हम लोगों ने चाय पिया है अदरक वाली, और मतलब तुलसी पत्ता और ये काढ़ा वाला चाय रहता है ना, वो वाला ये है। क्योंकि अभी 2 दिन से मॉर्निंग में ना हम लोग वही चाय पी रहे हैं। कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किए थे, कल था थर्सडे। और क्योंकि घर की सफाई में इतना लगे हुए हैं ना कि मतलब जितना हो रहा है ना उतना मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो कल सारा दिन मैं घर साफ की हूँ। अरे लाइट, वाह, आज शुक्रवार है तो लाइट पता नहीं कटते रहता है, शुक्रवार के दिन आता है जाता है। और कल कोई ब्लॉग नहीं शूट किए थे ना, जिसके वजह से आज ब्लॉग डालने के लिए भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं आज शाम को मैं क्या करूँगी, कैसे डालूंगी, बट देखती हूँ। अगर ये छोटा सा ही ब्लॉग डालूंगी, लेकिन डालूंगी इसी, आज कई ब्लॉग को एडिट करके डालूंगी, है ना त्रिशानी? और जितना हो रहा है ना उतना मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। कल भी मैं बहुत ज्यादा क्लीनिंग की और कपड़े भी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं धोने के लिए, क्योंकि और अभी मॉर्निंग में उठकर मैं सारे घर की क्लीनिंग की हूँ, कपड़े धोई हूँ, सूखने के लिए डाल दी हूँ, सारे काम मेरे खत्म हो चुके हैं, बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो अभी चुपो ना बेटा, हस्बैंड मेरे आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, वो छुट्टी ले लिए हैं, कल है सैटरडे। तो देखिए क्या चलता है, भगवान करे जल्द से जल्द ये वायरस खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा फैल रहा है। और जितना हो सके उतना अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना त्रिशानी? त्रिशानी को लेके ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। ये लड़की ना बार बार हाथ धुला रही हूँ, और इसके वजह से घर में ना मैं 3 से 4 बार पोछा लगा रही हूँ। मैं सुबह लगाई हूँ, अभी थोड़ा सा फिर गीला की है, गिरा दिए तो फिर से लगाई हूँ, सुबह शाम दोनों में लगा रही हूँ, क्योंकि फर्श क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। त्रिशानी मेरी ना ज्यादातर फर्श पे ही खेलती है नीचे। और वो बिट्टू दुख रहा है ना, मम्मा को बाल कटवा ली फिर भी तुम मेरा बाल नोचती है, अब क्या करूँ, मैं मुंडन हो जाऊ, टकला हो जाऊ मैं, छोड़ो। इसके वजह से मैं बाल कट करवाई थी ज्यादातर, इसके वजह से खराब तो खैर हो ही चुका था, लेकिन ज्यादातर मैं इसके वजह से कट करवाई हूँ। बहुत नोचती थी, अभी भी नोच रही है बाल मेरा। तुम जाओ तो, तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरी बेटी नहीं है, भागो यहाँ से जल्दी, तुम मेरा बेटा नहीं है, जाओ यहाँ। मम्मा को किसी दे जल्दी, जल्दी मम्मा को किसी दे, मम्मा को किसी, मम्मा को इसमें, इधर इधर, उधर नहीं, कैमरे में नहीं, इधर, हाँ इधर भी, इधर दे। आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। चलो चलो चलो, तुम अपना चौकोज दूध दिखो, चौकोज दूध खाओ दूध। और रात को मैंने हेयर ऑयलिंग की थी और अभी मुझे बाल धोना है, क्योंकि मैं ऐसे वीक में मैं 2 बार बाल धोती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा ज्यादा सोच रही हूँ कि 2 दिन पे मैं बाल धो लूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो जा रहा है ना, और अंदर ना स्कैल्प के अंदर खुजली होने लग रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि धो लेती हूँ। 2 दिन पहले मैं हेयर वॉश की थी और फिर रात को मैं ऑयल लगा ली हूँ, तो अभी मैं धो कर नहा लूंगी। तो गाइस चलिए मैं त्रिशानी को खिलाती हूँ यहाँ पे, ये दूध ये पीने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा नटखट है, ये बहुत ज्यादा बदमाशी करती है, जब तक इसको मैं मोबाइल नहीं दूंगी तब तक नहीं पीने वाली है। तो अभी मैं इसको दूध पिलाती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ खाना बनाने, फिर बाद में मैं नहाऊंगी।
तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ दाल चावल और सब्जी। तो सब्जी मैं दो बनाऊँगी, एक तो दृशानी का फेवरेट सब्जी है भिंडी का, वो बनाऊँगी क्योंकि उसको भिंडी की सब्जी मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से खा लेती है। तभी मैं दाल भी धो के चढ़ा दी हूँ और दाल मेरे बन रहे हैं, तब तक मैं चावल साफ कर लेती हूँ क्योंकि चावल में ना कीड़ा लग गया है। वो कीड़ा जो होता है ना, घून जिसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, वो ब्लैक ब्लैक रहता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग उसे क्या बोलते हैं। वैसे कहावत सुने होंगे ना, गेहूं के साथ साथ घून भी पिसता है, तो वही वाला कीड़ा है। तो ऐसे चावल मैं डीमार्ट से लाती हूँ ना, तो एक बार मैं ज़्यादा लाती हूँ, 25 kg लाती हूँ, तो उसमें मतलब कीड़ा नहीं रहता है चावल, इसलिए मैं डीमार्ट से ही चावल लाती हूँ। बहुत फ्रेश चावल रहता है, बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं रहता है। मैं ऐसे ही धो के और बना लेती हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा पुराना चावल है ना, तो मैं जब लाई थी तब भी एक दो में देखी थी, तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा नहीं फैलेगा, अभी फैल चुका है। इसका कुछ अगर दवा होगा तो आप लोग बताना मुझे। और वैसे चावल मेरे मतलब एक डब्बा है, पूरा पैक है, फूल है, तो इसलिए मुझे टेंशन हो रही है कि नहीं कि मतलब और भी ज़्यादा मतलब लग जाएगा, क्योंकि एक बार थोड़े से भी कीड़े अगर आ जाते हैं ना तो उसके बाद फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैं चावल धो लेती हूँ और चावल का पानी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं चावल का पानी निकालती हूँ पौधे में डालने के लिए, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो मैं फर्स्ट वाला पानी और सेकेंड वाला पानी निकाल लेती हूँ, और बाकी जो मैं मतलब 3 या 4 बार मैं चावल धोती हूँ। वैसे बोलते हैं ना कि चावल ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, 2 से 3 बार ही धोना चाहिए, लेकिन अभी इसमें कीड़े लगे हुए हैं ना, तो मुझे अच्छे से साफ करना पड़ता है। और उसके बाद मैं फिल्टर वाला पानी डालती हूँ, तो नल का पानी से मैं चावल धो लेती हूँ और बनाने के लिए मैं फ़िल्टर वाला पानी यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं पौधे में भी पानी डाल देती हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो ना ब्लैक कलर का, कब से मैं सोच रही हूँ कि लाऊंगी, हस्बैंड को कितना बार मैं बोली कि एक डब्बा लेकर आओ, मतलब एक गमला होता है ना जो फूल डालते हैं, तो मेरे पास जो थोड़े बहुत डब्बे थे उसमें तो मैं ये सब लगा दी हूँ पौधे, और अभी तक देखो उस प्लास्टिक में ही है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर रहा है। बट अच्छा है कि वो मतलब ख़राब नहीं हुआ है। और अभी आप नीचे देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी, तो यहाँ पे शादी है किसी का और पार्टी चल रहा है, आज ही है पार्टी। और देखिए मौसम आज का कैसा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था अभी। और अभी मैं यहाँ पे आ गई किचन में, तो यहाँ मैं सब्जी काट के रखी हुई थी, तो मेरे चावल दाल बन चुके हैं। चावल दाल बन रहे थे तब तक मैं भिंडी काट ली थी, और मैं ये भिंडी की भाजी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यम्मी लगता है चावल दाल के साथ। तो मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, तेल गर्म हुआ तो उसमें मैं हरी मिर्च का तड़का लगाई हूँ, और उसके बाद प्याज ऐड कर दी हूँ। प्याज को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, और तुरंत मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी, क्योंकि प्याज अगर भूनोगे लाल करोगे ना, तो भिंडी जब लाल करोगे तो प्याज जला जला सा दिखता है, जल जाता है, तो इसलिए मैं इसमें प्याज ऐड नहीं मतलब ज़्यादा भूनी नहीं हूँ प्याज को, और भिंडी ऐड करती हूँ। और उसके बाद एक साइड में मैं और सब्ज़ी बनाऊँगी, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो मैं बड़ी निकाल रही हूँ फ्राई करने के लिए, तो बड़ी मैं ये गांव से लेकर आई थी, जब मैं बिहार गई थी अपने मायके तो वहाँ से लेकर आई थी। तो ये बड़ी की सब्ज़ी मुझे बहुत ही यम्मी लगता है, तो बड़ी मैं फ्राई कर ली हूँ, और देखिए मैं पानी में डाल के उसे छोड़ दी हूँ फूलने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी जब आप बनाते हो सब्ज़ी तो उसमें पकता नहीं है, तो इसलिए पहले फ्राई करो तो उसके बाद पानी में फूलने के लिए डाल देना चाहिए, तो बहुत अच्छे से पक जाता है। और उसके बाद इधर मैं भिंडी की सब्ज़ी में हल्दी और नमक डाल के मैं एक साइड दूसरे साइड पर मैं डाल दी हूँ, और छोड़ दी हूँ उसे ढक के, वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगा। और इधर मैं बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, तो मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, मेथी डाली हूँ, और एक हरी मिर्च डाली हूँ बीच से कट करके, और उसके बाद उसमें मैं प्याज ऐड कर दी हूँ। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, कुछ सेकेंड के लिए मैं भूनी हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं ज़्यादा प्याज नहीं भूनती हूँ। और उसके बाद मैं आलू ऐड कर दी हूँ, और आलू को 1 से 2 मिनट तक मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें बैंगन ऐड कर दी हूँ, और बैंगन को भी मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दूँगी, तो पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। तो यहाँ पे एक क्लिप थोड़ा मिस हो गया था, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और उसके बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे, तो इसमें मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, क्योंकि आज है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन हम लोग बिना टमाटर वाली सब्ज़ी खाते हैं। आप लोग को मतलब बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को पता होगा जो मुझे पहले से देख रहे होंगे, तो शुक्रवार के दिन हम लोग खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं।
तो टमाटर नहीं डाली हूँ मैं सब्जियों में, और बैंगन आलू की सब्ज़ी में टमाटर ना डालो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। अगर टमाटर डालते तो इसका टेस्ट और भी दुगुना हो जाता। तो मसाला अच्छे से भुना गया था, उसके बाद मैं पानी ऐड करती हूँ जो मैं बड़ी फूलने के लिए डाली थी, वो पानी सही थे मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद ऊपर से भी मैं पानी डाली हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दी हूँ, और 2 मिनट तक इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी मेरा खाना बन चुका है, और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, और मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लग रहा है। 11 बज चुका है और दिशानी मेरी नहा ली है, अपने पापा के साथ नहाई है। अल्लाह बंद करो, अल्लाह बंद करो। तो अभी मैं सब्जी में पानी डाली हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाएगा इससे ग्रेवी, तो ये सब्जी बन के रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा और पकेगा। और बाकी मेरे सारे खाना रेडी है, दाल भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, भिंडी की सब्जी भी मेरी बन गई है, और चावल भी मेरे बन गए हैं। तो चलिए मैं खाना खाकर मिलूंगी आप लोगों से। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच बन के रेडी हो चुका है। लंच में भी हम लोग यही खाएंगे, मैं ज़्यादा बनाई हूँ। तो ये है भिंडी की सब्जी और आलू बैंगन और बड़ी की सब्जी, दाल, और उसके बाद चावल। तो दाल में बहुत सिंपल सा तड़का लगाई हूँ, और आ जाइए आप लोग भी खाने हमारे साथ। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो खाना खाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और थोड़ा देर मैं मतलब रेस्ट की हूँ, उसके बाद नहाने गई हूँ। और उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग में जो कपड़े मैं धो के रखी थी तो वो सूख गया था, तो मैं उसे उतार ले रही हूँ। और उसके बाद जो मैं नहाई हूँ वो वाले कपड़े मैं धो के लेकर आई हूँ, तो अभी मैं उसे डाल दूँगी सूखने के लिए। तो अभी मैं कपड़े भी फोल्ड करके रख देती हूँ, दृशानी मेरी सो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। और यहाँ अभी मैं जस्ट पोछा लगाई हूँ, खाना उना खाए थे तो खाना गिरा हुआ था, इसलिए मैं पोछा लगाती हूँ। जब भी खाना खाती हूँ तो मैं उस जगह को पोछती हूँ। और यहाँ हस्बैंड भी बैठे हुए थे और टीवी भी हम लोग देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा मतलब फैल रहा है, तो हम लोग दिन भर न्यूज़ देखते रहते हैं। और यहाँ पे बात करते करते मैं अगर कोई काम करूँ ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कपड़े लेकर आ गई और भी फोल्ड कर रही हूँ और हस्बैंड से भी बातें कर रही हूँ। तो अभी अभी हम लोग खाना खाए हैं, लंच कर लिए हम लोग, दृशानी भी खा ली, और दृशानी सोई हुई थी तो इसको उठा कर मैं खिलाई हूँ, और अपना खुद का नींद पूरा कर लेती है लेकिन मुझे सोने नहीं देती है। अच्छा बैठो बेटा बैठो। और अभी मैं कपड़े भी फोल्ड कर ली, और कपड़े मतलब मैं मॉर्निंग में ही धो ली थी ना, जितने भी कपड़े थे सारे मॉर्निंग में ही धोई थी, और मैं नहाई हूँ बस वो कपड़ा था, तो अभी मैं धो के और सूखने के लिए डाली, जो आप लोगों ने देखा होगा कूद कूद कर मैं डाली थी। तो चेयर आप देख रहे हो, यहाँ पे सामान रखा हुआ था और मैं उधर से चेयर लाने नहीं गई, मैं सोची चलो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। कभी कभी हम लोग आलस करने लगते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और अभी हम लोग दिशो क्या कर रही और मॉर्निंग का जो कपड़ा था ना उसे भी मैं फोल्ड करके रख ली हूँ, और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मतलब अभी मुझे एडिट करके और आज शाम को ही डालना है, 6:30 बजे, हो सके तो थोड़ा लेट भी मैं डालूंगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा आप लोगों को। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। नहीं बेटा बाय बाय, पहले से ही बाय बाय। चुप हो बदमाश, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बोलो बेटा।